अनादिकाल से हमारी आत्मा अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करके और उस शरीर के संस्कार इस आत्मा के साथ एक मेक हो गए हैं। जैसे दूध में पानी डालने से पानी दूध के साथ एक मेक हो जाता है, दूध में शक्कर डालने से शक्कर और दूध एक मेक हो जाता है, पानी में रंग डालने से रंग और पानी एक मेक हो जाता है, उसी तरह से अनादि काल से इस आत्मा के साथ में शरीर का संबंध होता आया है। इसलिए हम शरीर को अपना आत्मा ही समझ बैठे हैं, जबकि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जिस तरह से वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ पक्षी वृक्ष से भिन्न है कि एक है, भिन्न है। कार में बैठा हुआ ड्राइवर, कार चलाने वाला ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जिस तरह से गाड़ी से भिन्न है, गाड़ी चला रहा है लेकिन वो गाड़ी से भिन्न है, एक नहीं है। जैसे मयान हो और मयान के अंदर में यदि तलवार डाली जाए तो पड़ी हुई मयान और तलवार बाहर से एक दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मयान अलग है और तलवार अलग है। म्यान में रहने वाली तलवार म्यान से भिन्न है, उसी तरह से इस शरीर में रहने वाली आत्मा इस शरीर से भिन्न है। लेकिन आज तक हमको ऐसा नहीं लगा कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, हम तो एक मेक हो गए, शरीर और आत्मा एक भाव हो गए, दूध और पानी एक हो गए। शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया, शरीर को ही मैं मान लिया, शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लिया और हमारी सारी जिंदगी शरीर के लिए जाती है या आत्मा के लिए जाती है? हमारा सारी जीवनचर्या का केंद्र बिंदु कौन है, आत्मा या शरीर? शरीर। हमारी सारी चर्या सारे कार्य किसके लिए? शरीर के लिए। खाना पीना, आराम देना, नहलाना धुलाना, चलना फिरना, घूमना देखना, सोचना विचार करना, ये सारी चर्याएं हमारी शरीर के साथ जुड़ी हैं। फिर इस शरीर के साथ में हमारे कितने संबंध बने, कोई माता कोई पिता, कोई बहन कोई बंधु, कोई मित्र कोई शत्रु, कोई अपना कोई पराया, कोई स्नेही कोई स्वजन कोई परजन, कोई मनुष्य कोई स्त्री, ना जाने कितनी तरह के इस शरीर के साथ में हमारे इस संसार के अंदर में कितने संबंध बने, कितने पदार्थों के साथ में जुड़ करके हमारा जीवन चल रहा है और हमने सबको अपना माना है। आज दिन तक हमारे मन में यही है कि ये शरीर ही मेरा है, ये शरीर ही मेरे काम आएगा, इस शरीर को ही संभालना है, इस शरीर की देखभाल करनी है। लेकिन कभी यह ध्यान नहीं आया कि इस शरीर को चलाने वाला तत्व कौन सा है, यह शरीर किसके कारण चल रहा है, कि अंदर इसके हार्ट लगा है, ब्रेन लगा है, हाँ अंदर इसके सांस का सिस्टम बना है, खाने पीने का सिस्टम बना है, अंदर खून है, हड्डियां हैं और उसके कारण शरीर चल रहा है। शरीर किसके कारण चल रहा है, ये सारी चीजें होते हुए भी लेकिन शरीर किसके कारण चल रहा है, क्या चीज है वो जो शरीर को चला रही है, उसका नाम क्या है? आत्मा। जैसे मयान से तलवार भिन्न है वैसे इस शरीर से आत्मा भिन्न है, ये शरीर आत्मा के कारण चल रहा है और जिस दिन आत्मा इस शरीर से जुदा हो गया उस दिन क्या होगा, यह शरीर मुर्दा हो जाएगा, यह शरीर जड़ हो जाएगा, यह शरीर मिट्टी हो जाएगा। इस शरीर में हृदय तब भी रहेगा
ब्रेन तब भी रहेगा, आंखें तब भी रहेंगी, पाचन तंत्र तब भी रहेगा, सब कुछ शरीर का रहेगा, लेकिन इन सब चीजों को संचालित करने वाला, शक्ति देने वाला, चलाने वाला, इस शरीर को इधर से उधर ले जाने वाला वो जो तत्व था, वो आत्मा निकल गया, तो ये सारी चीजें निर्जीव हो गई। इसलिए शरीर और आत्मा का भेद समझना जरूरी है। हमने एक मेक कर दिया है, हमारा सारा जीवन शरीर के लिए जा रहा है। और ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हें ये जो शरीर मिला है, ये शरीर तुमको कर्म इकट्ठे करने के लिए नहीं मिला, ये शरीर तुमको मिला है, इस शरीर से तुम तप करो, जप करो, धर्म करो, आराधना करो, भक्ति करो, और इस शरीर को तपा करके, इस शरीर को साधना में लगा करके, और इस शरीर से तुम अपने कर्मों को क्षय कर लो, अपनी आत्मा को हल्का कर लो। एक बार गौतम स्वामी जी ने परमात्मा महावीर से प्रश्न किया कि भंते, तुम्बड़ी का स्वभाव होता है जल में तैरना, अगर हम तुम्बड़ी को पानी में डाल दें तो क्या होगा, वो तैरने लगती है, डूबती नहीं है, तैरती है। तो परमात्मा, तुम्बड़ी का स्वभाव है पानी में तैरना, लेकिन प्रभु यदि उस तुम्बड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया जाए और उसके बाद में उसको सुखा दिया जाए, उसके बाद उसके ऊपर दूसरा लेप कर दिया जाए, फिर सुखा दिया जाए, फिर तीसरा लेप, चौथा लेप, पांचवा लेप, छठा लेप, सातवां लेप, आठवां लेप, ऐसे उस तुम्बड़ी के ऊपर में मिट्टी के लेप कर देने से, और यदि हम उस तुम्बड़ी को पानी के अंदर में छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो डूब जाएगी। तो प्रभु, ये जो तुम्बड़ी है जिसका स्वभाव है पानी में तैरना, तो ये डूबती क्यों है? तब परमात्मा ने कहा कि गौतम, जब तक तुम्बड़ी के ऊपर में मिट्टी के लेप लगे रहेंगे, तब तक वो तैरने के स्वभाव वाली तुम्बड़ी भी वो पानी में डूब जाएगी, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके उस तुम्बड़ी में से एक एक परत खुलती जाएगी, एक एक मिट्टी का आवरण उतरता जाएगा, और धीरे धीरे एक आवरण उतरा, दूसरा उतरा, तीसरा उतरा, पांचवा, सातवां, आठवां उतरा, और जैसे सारे आवरण उतर गए तो पानी की अतल गहराई में डूबी हुई वो तुम्बड़ी भी धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। इसी तरह से गौतम, हमारी आत्मा जिसका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना, ये ऊर्ध्वगमन करने वाली हमारी आत्मा अधोगमन क्यों करती है? इसके पीछे यही कारण है गौतम कि वैसे तो हमारी आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना, लेकिन हमारी आत्मा के ऊपर में कितने मिट्टी के लेप चढ़े हुए हैं? कितने लेप चढ़े? आठ लेप चढ़े हैं, एक के ऊपर एक कर्मों के आठ मोटे मोटे लेप चढ़े हैं, अनादि काल के लेप चढ़े हैं, जिसके कारण से ये हमारी आत्मा जो ऊर्ध्वगमन करने के स्वभाव वाली है, ये इन कर्मों के आवरणों के भार के कारण ये अधोगमन करती है, दुर्गतियों में जाती है, नरक में जाती है, चारों गतियों में भटकती है। इस आत्मा के भटकने का और ऊर्ध्व अधोगमन का कारण हमारी आत्मा के ऊपर लगे आठ कर्मों के लेप हैं, और जिस दिन इन लेपों को उतार दिया तो क्या होगा? फिर आप इस कुर्सी पे बैठे नहीं रहोगे, फिर आपकी आत्मा सीधा ऊपर, यहां से रॉकेट की गति से भी ज्यादा, चंद्रयान की गति से भी ज्यादा। जब आत्मा मोक्ष में जाता है, उस समय इस शरीर को जैसे ही छोड़ता है तो सात रज्जु प्रमाण ऊंचाई पे मोक्ष है, कुल लोक का आकार 14 राजलोक, 14 रज्जु प्रमाण, उसमें हम मध्य लोक में हैं, तो 7 रज्जु प्रमाण ऊपर है। तो इतनी ऊंचाई पर हमारा आत्मा मोक्ष तक सिद्ध शिला के ऊपर कितनी देर में पहुंचता होगा? कितने दिन लगते? चंद्रयान को कितने लगे? 42-45 दिन लगे। लेकिन हमारी आत्मा को सिद्ध शिला तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? एक समय मात्र। केवल 5 हरस्व अक्षर बोले, केवल 5 हरस्व अक्षर बोले, उसमें जितना समय लगता है, इतने में तो हमारी आत्मा सिद्ध शिला में। 5 हरस्व अक्षर कौन से हैं? अ ई उ ए ओ,
अ ई उ ए ओ, अ ई उ री री, अ ई उ री री, ये पांच ह्रस्व अक्षर बोलने में जितना समय लगता है इतने में तो यहां से आत्मा निकल करके सिद्ध लोक में अपने शाश्वत स्थान पर पहुंच जाती है। कितनी गति होगी इस आत्मा की इस लोक में से सिद्ध लोक तक जाने में, तो ये आत्मा की अनंत शक्ति है। यही हमें सिखाती है एकत्व, यानी कि आत्मा में स्थिर होना। यदि शरीर मेरा नहीं है तो शरीर से जुड़े कोई संबंध मेरे नहीं है। इन लौकिक संबंधों से, सांसारिक संबंधों से सबसे नाता तोड़ करके और भीतर आत्मा में जुड़ जाना, ये एकत्व भावना है।